हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल उत्तराखंड बर्ड्स रुद्रपुर में। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो का हमारे टॉपिक यह है कॉलोनी में बर्ड्स पालने के बेनिफिट। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की, और जो हमारे नए भाई पालना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाब है वीडियो ये और काम लायक है। तो बने रहें वीडियो के साथ, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आ गए हम अपनी वीडियो की तरफ, और वीडियो शुरू होने से पहले अगर किसी भाई ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारे लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले टाइम टू टाइम। तो आज की वीडियो का हमारे टॉपिक आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे क्या है टॉपिक आज का। कॉलोनी के बेनिफिट बताऊँगा आज मैं, क्या क्या कॉलोनी के बेनिफिट होते हैं। तो अगर कुछ जो भाई हमारे बर्ड्स पालना चाहते हैं और वो सोचते हैं हम अपने बर्ड्स रखें तो कम खर्च में बर्ड्स कैसे पालेंगे, हम वो बताते हैं आपको। तो पहले तो आप सस्ते में कॉलोनी बन जाती है आपकी। कोई भी आपको अगर कुछ करना है, बर्ड्स पालना है, अगर आप केजिस में बर्ड्स पालेंगे तो आपको पांच पेयर, जैसे मान के चलो पांच पेयर या छह पेयर आप पालते हो तो पांच सेपरेट पिंजरे लेने पड़ेंगे अलग से आपको, और छह पिंजरे लेने पड़ेंगे या पाँच भी ले सकते हो जो जितने आप बर्ड्स पालो। और कॉलोनी का ये है, आप एक कॉलोनी बनाओ, एक कॉलोनी में दस पेयर या पंद्रह पेयर, पाँच पेयर, छः पेयर, जितने भी छोड़ सकते हो। और केजिस का ये होगा कि हम पॉट जो होते हैं, पानी के बर्तन, दाने के बर्तन, वो सबके लिए एक एक अलग अलग खरीदने पड़ेंगे, दो दो सेट। तो उसका फ़ायदा, उसका देखो महंगा पड़ जाएगा हमें कॉस्ट, क्योंकि पिंजरे बनवाने पड़ेंगे, फिर पानी का, दाने का पॉट, फिर उसके बाद हम लाइटिंग करेंगे, लाइटिंग भी अलग अलग हम पिंजरे में लगाएंगे अपने। तो कॉलोनी से जो होता है आपका टाइम भी बचता है, कॉलोनी में आपके बर्ड्स पालने का आपका टाइम भी बचेगा। टाइम से मेरा मतलब ये है कि अगर आप केजिस में आप लगाओगे बर्ड्स अपने, केजिस में अगर ब्रीड करा रहे हो तो केजिस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, क्योंकि आपको सुबह उठना है, सब केजिस में दाना रखना है, पानी रखना है। और जो कॉलोनी जो होती है, कॉलोनी में आपने एक दाने का बर्तन लिया, एक पानी का बर्तन लिया, एक सॉफ्ट फूड का बर्तन लिया, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सबसे आजकल जो है बंदे के पास टाइम नहीं है, और सब कुछ है, पैसा तो बहुत है लोगों के पास, मगर टाइम नहीं है, बस टाइम की कमी बहुत है लोगों के पास। तो इसलिए जो भाई कॉलोनी में पालना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, अगर जो बिजी रहते हैं, जो काम धाम में ज़्यादा बिजी रहते हैं तो उनके लिए कॉलोनी बहुत बढ़िया है, और जो फ्री रहते हैं, जो टाइम दे सकते हैं अपने बर्ड्स को, उनके लिए केजिस सही हैं। तो यही है मेरी आज की राय, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, नए भी जो बर्ड्स पालना चाह रहे हैं, नए नए शौकीन हैं, तो पहले शुरुआत कॉलोनी से ही करना चाहिए, क्योंकि कॉलोनी में लाके आप छोड़ दो बर्ड्स अपने, पट्ठे लाके छोड़ दिए, जैसे हमने 15 जोड़े छोड़े या 20 जोड़े छोड़े या 5 जोड़े छोड़े या 10 जोड़े छोड़े, तो उसमें पट्ठे हमने छोड़ दिए तो आपस में अपने पेयर लग जाएंगे उनके, आपको कुछ पेयर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपस में। जैसे आप सोचो यार कि मैं इसका इसके साथ लगा दूँ, जो अपने आप पेयर लगते हैं उनकी बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत बढ़िया पेयर बन जाते हैं। और जो आप सेपरेट में लगाओगे, सेपरेट में किसी को मेल पसंद नहीं आता, किसी को फीमेल पसंद नहीं आती है, कॉलोनी में जो जिसे पसंद होगा वो जोड़े लग जाएंगे, और यह होगा और जो जोड़े बन जाएंगे जब उसमें से 15 जोड़ों में से अगर 10 जोड़े ही बन गए जो फालतू हैं उसमें फीमेल या मेल, तो उसके खिलाफ आप और ला के डाल सकते हैं, उसके साथ में बाहर से और परचेस करें। अगर मेल ज़्यादा है तो फीमेल ला के डाल दें, और फीमेल ज़्यादा है तो मेल ला के डाल दें, तो ये कर सकते हैं आप कॉलोनी के अंदर। और कॉलोनी के अंदर ये करने से आपके जोड़े भी बढ़ जाएंगे और कॉलोनी में अच्छी खासी प्रोग्रेस भी होगी। तो यही थी आज की वीडियो, फिर अगली मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, प्रोग्रेस की वीडियो लेके आऊँगा मैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।